दोस्तों दोस्तों कैसे हो दोस्तों। आज हम जानेंगे कि जो मुंगरा और मूली की फली के बीच में क्या अंतर है, क्योंकि मुंगरा और मूली की जो फली है तो मिलती जुलती होती है। आप देखोगे कि जो मूली होती है, मूली का जो फली होती है वो छोटी होती है और मुंगरे की बड़ी होती है। तो इसमें हम कैसे जानें कि कौन सा मुंगरा है और कौन सी मूली है, क्योंकि दोनों का ही देखने में एक जैसा होता है, दोनों को ही सब्जी में यूज़ करते हैं, दोनों फलियों को। तो दोस्तों मुंगरा जो होता है वो लंबा होता है, आपने ध्यान रखना है, मुंगरे जो होते हैं लंबे होते हैं। तो ये जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, पेड़ जो इनके हैं दोनों के मिलते जुलते हैं, पेड़ भी देखने में एक जैसा होता है, फल भी एक जैसा होता है, मगर सिर्फ आप ये पता कर सकते हैं कि जो मुंगरे की फली है वो हमेशा लंबी होती है, और जो मूली की फली है, मूली की जो फली होती है, एक तो आप मूली के जो तना है उसको देख सकते हो, क्योंकि मूली का जो तना होता है वो भी, मूली आपको पता ही, आपने खाई होगी, सलाद में खाते हैं, तो उसका जो तना होता है वो भी बड़ा होता है और मोटा होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये जो मूली का पेड़ है, मूली इसमें लगी हुई है नज़दीक में, ये देख सकते हैं हम, ये मूली है। तो मूली का जो तना होता है वो मोटा होता था, उसमें ये सलाद के यूज़ में होती है मूली। तो और मूली के जो पत्ते पत्ते होते हैं और मोगरे के पत्ते होते हैं, दोनों सेम होते हैं, दोनों एक देखने में एक जैसे होते हैं। तो इनके ऊपर जो फली लगती है, फली का ही अंतर होता है कि मूली की जो फली छोटी होती है और मोगरे की फली लंबी होती है। दोनों सब्जी के यूज़ होते हैं, ये देख सकते हैं, मोगरे की जो फली थी वो लंबी थी और जो मूली की फली है, तो आप देख सकते हैं ये मूली की फली है, मूली की फली हमेशा छोटी होती है। तो फली से जब फली पक जाती है तो इसको हम बीज को सुखा लेते हैं, और जब अगले सीजन में इसको हम बीज देते हैं। तो इसलिए दोस्तों आज आप लोगों ने जाना कि मुंगरा और मूली की फली के बीच में क्या अंतर है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।